पहाड़ी इलाके में भारी बर्फबारी से लोग हुए परेशान। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को दूसरे दिन भी कई उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। जहां एक मैदानी इलाकों की बात है तो वहां जारी बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट आई है और शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। इससे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हजारों वाहन राजमार्ग पर फंस गए हैं। इसके अलावा मुगल रोड और श्रीनगर लेह राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 16 नवंबर तक मौसम खराब रहने की जानकारी दी है। श्रीनगर, जम्मू, गुलमर्ग, भद्रवाह, लेह और कारगिल में तापमान सामान्य से कम है। श्रीनगर डिग्री सेल्सियस, वही अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लेह का न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर लिया गया है। गुरुवार से ही मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जो शनिवार तक जारी रह सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं कश्मीर घाटी में हुई बेमौसम बर्फबारी से घाटी के किसानों की कमर ही तोड़ दी है। किसानों का कहना है कि नवंबर के पहले हफ्ते में इस तरह की बर्फबारी उन्होंने दशकों तक नहीं देखी। घाटी में किसान सेब पेड़ से खत्म नहीं कर पाए हैं।